Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing fine. This time I've got the video part 5 of ergonomics in full detailed explanation in Hindi and English. So let's start with the definition. What is ergonomics? When we talk about the adjustment of human and machine is known as ergonomics. It involves the application of human biological sciences combined with engineering science to achieve optimum mutual adjustment of human work, with benefits being measured in terms of human efficiency and well-being. It also talks about tools and machines and workstations are designed in such a way that you do not take stress and doesn't have any health problems. अब हम हिंदी में पढ़ते हैं. यह एक मानव और मशीन का सामंजस्य है, जिसमें मानव और उसके कार्य के आपस में अनुकूलतम देखा जाता है. लाभ को मानव क्षमता और स्वास्थ्य कल्याण के रूप में मापा जाता है. उसे प्राप्त करने के लिए मानव जैविक विज्ञान के अनुप्रयोग को अभियांत्रिक विज्ञान के साथ शामिल किया जाता है. ये भी बताता है कि औजार, मशीन और कार्यस्थलों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि इंसान को तनाव ना हो और ना ही कोई स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ हो. अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कर्स कैपेबिलिटी. जो फैक्टर्स हैं अफेक्ट करते हैं वर्कर्स की कैपेबिलिटी पे काम पर, वो हैं टास्क डिमांड्स. टास्क के क्या क्या डिमांड हैं, ये क्या क्या इसमें होता है. कंप्राइजिंग नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द टास्क दैट इज़ डन बाय द पर्सन. हाउ कॉम्प्लेक्स इट इज़, वेदर इट इज़ ईजी और डिफिकल्ट और मीडियोकर. हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड, मीन्स हाउ मच एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड व्हेन यू आर डूइंग द वर्क. ड्यूरेशन means how much time does it requires. Posture, how well is your posture, whether you are sitting and doing the work, whether you are standing and doing the work this way. The second point, the work environment, where the person is working. जहाँ इंसान काम कर रहा है वो कैसा है उसका environment. Noise, बहुत शोर शराबा है. Humidity, बहुत ज़्यादा हवा में moisture है या बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है. Vibration, लाइट एंड टेम्परेचर. सो ये हमारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं वर्क कैसा होना चाहिए बट रिजल्ट नहीं मिलता, वो इसीलिए होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्क क्वालिटी और द कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन. अब हिंदी में पढ़ लेते हैं. हमारे दो पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं, श्रमिक क्षमता और कार्य की मांग. अब हिंदी में पढ़ते हैं. हमारे दो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है श्रमिक क्षमता और दूसरा है हमारा कार्य की मांग. श्रमिक क्षमता, इंसान की श्रम करने की कितनी हिम्मत है, वो दोनों पर डिपेंड करता है, बॉडी पर भी और दिमाग पर भी. दूसरा है कार्य की मांग, इसमें शामिल है प्रकृति और जटिलता, कर्मचारियों की आवश्यकता, अवधि, मुद्रा. ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ. फिर आता है कार्य परिवेश, जहाँ पर इंसान वो काम कर रहा है. शोर, आर्द्रता, कंपन, प्रकाश और ताप. तो ये हमारे फैक्टर्स हैं, हमारे जो पहलू हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि वो किस तरह से इंसान काम करता है. वन फैक्टर आई फॉरगॉट टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, दैट इज़ बोथ फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल मीन्स बॉडी एंड साइकोलॉजिकल मीन्स माइंड. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट द वर्कर्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग द वर्क. Let's now study the science of ergonomics is set on the four pillars. The sentence says it depends on four things, which helps to achieve the maximum in work. First is anthropometry. Anthropometry means body size and measurements. What is the size of your body and what are the measurements of your body? Second is biomechanics, which talks about musculoskeletal activities and forces exerted. Third is physiology of your body. Fourth is industrial psychology. What kind of psychology industry has or under which circumstances you are working. हिंदी में मैं बताती हूँ. अब जो हमारा ergonomics है वो चार चीज़ों पर निर्भर करता है. पहला है मानव मिति, जो कि बताता है शरीर का आकार और मापन. दूसरा है जैव यांत्रिकी, जो बताता है पेशी कंकाली गतिविधियां और लगाए जाने वाले बल.
तीसरा शरीर क्रिया विज्ञान और चौथा औद्योगिक मनोविज्ञान। आपकी शरीर का कैसे विज्ञान है और इंडस्ट्री का कैसे विज्ञान है, तो ये हेल्प करते हैं आपके काम को अच्छे से करने में। अब मैं टॉपिक पर आती हूँ, व्हाई डू वी नीड एर्गोनॉमिक्स एट अ वर्क प्लेस। हमें एर्गोनॉमिक्स क्यों आवश्यकता है अपने काम जहाँ पर हम करते हैं। पहला पॉइंट, इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड हेल्थ, ताकि हम सेफ रहें और हेल्दी रहें। कैसे? बाय रिड्यूसिंग द नंबर एंड सेवियरिटी ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज, रिड्यूसिंग पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स ड्यू टू ह्यूमन एरर। सेकेंड पॉइंट इज इम्प्रूविंग जॉब इफेक्टिवनेस, ताकि जॉब की इफेक्टिविटी बढ़ जाए। वो कैसे? बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, रिड्यूसिंग द एरर्स एंड एलिमिनेटिंग और रिड्यूसिंग द इंजरीज। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, इम्प्रूविंग जॉब इफेक्टिवनेस बाय इंक्रीजिंग जॉब सेटिस्फैक्शन थ्रू कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशंस। व्हेन यू प्रोवाइड कंफर्टेबल कंडीशंस टू द पर्सन हु इज वर्किंग, ऑब्वियसली इफेक्टिविटी ऑफ द जॉब विल इंक्रीज। एर्गोनॉमिक्स की आवश्यकता क्या है? पहला, निरापद और बेहतर स्वास्थ्य के लिए। वो कैसे हो सकता है? कार्यस्थल पर चोटिल होने और उसकी गंभीरता को कम करता है। मानवीय त्रुटि से होने वाली दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है। दूसरा पॉइंट है बेहतर प्रभावी रोजगार, निम्नलिखित के द्वारा पाया जा सकता है, जब हमारी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए होता है। त्रुटियों में कमी लाकर, चोट ना लगने देना या उसकी कमी कर देना, तब हमारा बेहतर प्रभावी रोजगार हो सकता है। लास्ट पॉइंट, रोजगार प्रभाविता में वृद्धि द्वारा आप डेवलप कैसे कर सकते हो? सुविधाजनक कार्य परिस्थितियों के द्वारा एवं रोजगार संतुष्टि में वृद्धि करके। तो ये हैं तरीके हमारे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बेनिफिट्स और एर्गोनॉमिक्स। एर्गोनॉमिक्स के लाभ, फर्स्ट, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंजरी एंड एक्सीडेंट्स, इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्क, रिड्यूसेस मिस्टेक्स एंड नीड टू डू द वर्क अगेन। मीन्स यू विल नॉट डू द वर्क अगेन एंड अगेन। इट विल एक्चुअली हेल्प यू टू यू नो डिक्रीज द मिस्टेक्स एंड दस गिविंग द परफेक्ट वर्क। नेक्स्ट इज इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क, डिक्रीजेस द एब्सेंटीज्म ड्यू टू इल हेल्थ एक्सीडेंट्स एंड स्ट्रेस, इम्प्रूव्स मोरल ऑफ वर्कर्स। सो दिस हेल्प्स टू यू नो मेकिंग द वर्क मोर एफिशिएंट एंड डूइंग इट वेरी इजिली विदाउट इवन टेकिंग द स्ट्रेस। हिंदी में, चोट और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करता है, उत्पादकता को बढ़ाता है, मीन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, त्रुटियों को कम तथा कार्य दोबारा करने की आवश्यकता को कम करता है। आपको दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा, आप एक बार में ही अच्छे से काम करके दे सकते हैं। दक्षता को बढ़ाता है, खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं, तनाव के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करता है, मीन्स आप दोबारा एब्सेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट्स कम करेगा एंड हेल्थ भी ख़राब नहीं होगी। लास्ट पॉइंट इज कर्मचारियों के मनोबलों को बेहतर करता है, मीन्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता है। अब एग्जांपल ले लीजिए, फॉर अ पर्सन हु डज ऑफिस वर्क सिटिंग ऑन अ चेयर दैट डज नॉट कन्फर्म टू एर्गोनॉमिक सेफ्टी स्पेसिफिकेशन कैन कॉज बैक पेन। मीन्स इफ इट इज नॉट गोइंग टू अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ एर्गोनॉमिक्स, देन ऑब्वियसली दैट पर्सन विल have back pain. This will actually not lead to the work effectivity. एक व्यक्ति जो ऑफिस में है, उसको एक प्रॉपर चेयर नहीं मिलती है बैठने के लिए, जो प्रॉपर पोस्चर देती हो, तो उसको वो हेल्थ प्रॉब्लम करेगी, कमर में दर्द हो सकता है, तो उससे काम उसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो एर्गोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई वीडियो। वॉचिंग, टाटा, टेक केयर।